फरीदाबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर आज मुस्लिम बाहुल्य गांव मलाई में वोटों के लिए सबसे बड़े भिखारी बन गए और भरे पंडाल में लोगों से वोटों की भीख मांगी। उन्होंने पलवल में कहा कि वो सबसे बड़े भिखारी हैं, उन्हें अपने वोटों की भीख चाहिए। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ने जातिवाद के नाम पर भी वोट मांगे। इस दौरान हकीन के विधायक प्रवीण डागर और भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवरिया भी मौजूद रहे। और क्या है पूरा मामला देखिए रिपोर्ट में। पहली बात उम्मीद लेके आया हूं और बड़ी उम्मीद से आया हूं। फैसला देखिए, हमसे ज्यादा बड़ा भिखारी दुनिया में कोई नहीं। अब आपने भीख डालनी है नहीं डालनी है ये आपकी मर्जी, लेकिन एक बात जरूर करता हूं, एक बार मुझे अजमाएंगे आप तो कभी आपको पछताना नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। आपने इन 10 सालों में मेरे को देखा होगा, कोई भाई कह दे हमने कोई गांव में पार्टीबाजी की हो, कोई बदले की भावना से काम किया हो, किसी का नुकसान किया हो इन 10 सालों में, फिर तो मैं गुनाहगार हूं। तो इसलिए भाई, सरपंच साहब बैठे हैं, हमारे चौधरी रफीक जी बैठे हैं, सब मणि तीन बार लेकिन देखिए, सरपंच साहब ने कहा तीसरी बार भी, देखिए बिल्कुल ठीक कहा, बढ़ूंगा तो तीसरी बार नहीं, ये बता रहा हूँ आपको, जैसे पत्थर पर लकीरें लिखा हुआ है तीसरी बार भी मैं ही बनूंगा, उसमें आपकी हिस्सेदारी बांधने आया जो सरपंच साहब, उसमें आपकी हिस्सेदारी रहनी चाहिए, वो उम्मीद नहीं क्या है। बताओ करोगे ना हिस्सेदारी इस बात का? मैं भी ईमान से कहता हूं अपना फर्ज पूरा निभाऊंगा, आपको निराश नहीं होगा। सही बात है मित्र साहब, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। जो इकबाल है मेरे बड़े भाई, इकबाल मलाई, मैं उनका छोटा भाई हूँ। अवतार सिंह भड़ाने के साथ में हमारी पूरी लाइफ बीत गई, पूरी लाइफ उसी के साथ बीत गई और दिल और जान से उनके लिए हम मेहनत करते थे। वो था एक मदारी डुगडुगी बजाने वाला, उसको तो हमने भेज दिया बहुत दूर। ये मलाई मलाई नहीं, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, रुपड़िया पाल की तरफ से, उतावड़ की तरफ से, डाक भच्चान की तरफ से, आपको सबसे आगे जिता के भेजेंगे इंशाअल्लाह। जो भाई ने कहा है ना, जिस विश्वास से, उसी विश्वास से मैं कह रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद मुड़कर नहीं देखना, सारा काम मेरा है उसके बाद। और आप मेरी बात जानते हैं, मैं अपनी जबान का बहुत पक्का हूँ और मैं मजबूत भी बहुत हूँ। चौटाला प्रतीत नहीं करता, आपने सुना होगा,